हम सभी की ओर से कुछ देर पहले मोरक्को में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी इंजर्ड लोग शीघ्र स्वस्थ हो। इस कठिन समय में पूरा विश्व समुदाय मोरक्को के साथ है और हम उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए तैयार हैं। योर हाइनेसेस, एक्सलेंसीज, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति, अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, COVID-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी
देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया, करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है तब पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।